दिखाई देगा। कोशिश करो। ये वाला क्वेश्चन देखो, आज कल हो पाएगा? हाँ, रैशनल नंबर है ना। हाँ, बस बस दो रैशनल नंबर, इसका एडिशन करना, ठीक है? बनाओ, तब तक दो मिनट में स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक। आधा घंटा का क्लास रहेगा। एलसीएम लेने आता है ना आपको? हाँ हाँ आता। बन गया? हाँ बन रहा है, बस बस। ओके, कोई बात नहीं, बनाओ। ठीक है, 6:30 बजे बजने वाला है, लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और कॉपी नोटबुक अपना लेके रखना, ठीक है? हाँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, बना आपसे? नहीं, 31 और 24 आ गया। ये चलो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट ही करेंगे, ठीक है? ये इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है आपका रैशनल नंबर, तो इस चैप्टर में मैं बेसिकली बता दूं, दो तीन चीजें, मतलब तो 4-5 चीजें होगा, ठीक है? उसके बाद नंबर का सम करना, एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करना, कम्युटेटिव लॉ करना, आपका एडिटिव इनवर्स निकालना, नॉर्मल नंबर्स के होता है, लाइक 2 × 3, तो इसमें 2 × 3 की जगह 2 रैशनल नंबर देगा, उसका मल्टीप्लिकेशन करना, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, ठीक है? तो ये सब आसान चैप्टर में से है, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका रैशनल नंबर। तो मुझे, मैं पहले इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। रैशनल नंबर, तो कोई भी रैशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है। क्या होता है? पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है। कंडीशन ये है
कि p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इंटीजर्स. इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ऐसे p q इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर. इंटीजर पता है ना? इंटीजर पता है ना? 1 2 3 नंबर लाइन, नंबर लाइन देखो बीच में जीरो है, इधर 1 2 3 3 -1 -2 -3. इसको हम लोग कहेंगे नेचुरल नंबर. 1 2 3 4 ऐसे करके नेचुरल नंबर होगा. अगर ये हो गया क्या नेचुरल नंबर, अगर उसी में नेचुरल नंबर को अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो उसको क्या कहते हैं? होल नंबर. क्या कहेंगे? होल नंबर. अब उसी में से अगर मैं नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दूं तो इसको क्या कहेंगे? पूरा का पूरा इंटीजर. क्या कहेंगे? इंटीजर. जीरो की एक इंटीजर ही है, ठीक है. तो कंडीशन है पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर. और बस एक कंडीशन है कि जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए. क्या क्यू जीरो नहीं होना? ये है क्यू डिनोमिनेटर. इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर चाहिए, ठीक है. यही कंडीशन है. फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है जैसे कि इस तरह से इस साइड दिख रहा है आपको. हाँ, एग्जाम्पल आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 देखो, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, चलेगा ना? ये भी आपका रैशनल नंबर. -2/3 ये भी आपका क्या है? रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर है. सिमिलरली अगर 2 रहा, मात्र 2 रहा तो ये क्या रैशनल नंबर होगा? बोलो तो होगा, क्योंकि ऊपर 2 है तो 2 को तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना 2/1. दोनों इंटीजर दोनों फॉलो कर रहा है तो मतलब ये मेरा रैशनल नंबर है. लेकिन अगर ऐसा आप बोलते हैं तो जीरो क्या रैशनल नंबर है? जीरो है? नहीं 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 है, है क्योंकि जीरो को हम लोग लिख सकते हैं ना, जीरो 0/1 लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर में तो मान दे सकते हैं ना. हाँ. ये भी देखो, ये भी आपका इंटीजर है कि नहीं? देखो इंटीजर में आ गया ना जीरो, 1 भी यहाँ पे इंटीजर है. जब दोनों इंटीजर है और बस क्या बोला है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए. बोला ना नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए. ये तो नीचे जीरो नहीं है ना, यही मेरा रैशनल नंबर है. अगर अगर बोलते 1/0, क्या बोलते? 1/0. ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में क्या है? जीरो है. अरे कंडीशन क्या था? मतलब रैशनल नंबर नहीं है. ये नहीं है, ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं है. तो बेसिक हो गया रैशनल नंबर का डेफिनेशन, क्योंकि नंबर लाइन नोट करो. ऐसे ही मैं 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाएंगे, आप नोट करो. नोट करो अभी, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन. बहुत इजी चैप्टर है. ठीक है, इसको बोलेंगे पी एंड क्यू. इसको पढ़ते हैं मैथमेटिकली बिलोंग्स टू. इसको कोई आपको जरूरत नहीं याद करने का. इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे सी पर ऐसे ये दे देते हैं, ठीक है. तो पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यही. आपका स्कूल डिग्वर्टी पास है ना? मेरा घर नहीं, स्कूल स्कूल डिग्वर्टी पास है ना? हाँ, स्कूल ही पास. हाँ, डिग्वर्टी. Thank you.
हो गया, लिख लिया, रब कर दूं? हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ समझ में आ गया आपको, बहुत आसान चीज था। हाँ हम लोग इसी तरह से दो रैशनल नंबर का सम करना सीखेंगे, जिस तरह से हम लोग सीखते हैं ना, तो 2+2=5 नॉर्मल नंबर है, ठीक है, ऐसे हम लोग ये सीखते हैं ना, तो अब हम लोग उसको थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट्री नंबर करते हैं। फॉर एग्जांपल 2/5 कर दिया हमने और यहाँ पे कर दिया 3/10। ये आपको बस ये पहला चैप्टर में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, और इसे कॉम्प्लिकेटेड रैशनल नंबर का एडिशन बोल देगा, ठीक है। और चलिए तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड करने का तरीका है, ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका एलसीएम लेंगे? 5 और 10 का एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम ऑफ लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 10। 5 और 10 का एलसीएम लेने में क्या करते हैं हम लोग, 5 और 10 लिखते हैं, ऐसे लाइन मारते हैं, और ये 5 रख दिया, कितने टाइम्स हो गया? 1 टाइम्स। कितने टाइम्स किया भाई? 2 टाइम्स। तो अब इस इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते, कितना गया? 5 × 1 × 2 कितना? ठीक है, लिखना नहीं है, मैं जब बोलूंगा तभी। ठीक, कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसको 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, ये तो अपने आप 10 है, कोई टेंशन नहीं, नीचे भी 1 ऊपर भी 1, आसान से सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना हो गया देखो तो, 4/10 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और ऐड करेंगे, सिंपल सा है। 1.1 1.2 आज ही हम करवा देंगे, ठीक है, आपके बुक का साइज 1.1 और 1.2। ये तो दुबे है, अरे दुबे, इधर गया आपका फोटो, हाँ इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा बताओ? इसका एलसीएम निकाल, इसका एलसीएम 5, 6, 5, 30। जब भी देखो ये तो जाएगा, जब भी कोई नंबर, हाँ प्रा नंबर, देखो एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ क्या है, जो बड़ा है ना, जो बड़ा है ना, कौन बड़ा है उसका आप टेबल पढ़ोगे, ठीक है, और देखोगे छोटा वाला उसमें आता है कि नहीं आता है। फॉर एग्जांपल एलसीएम ऑफ 2 और 3, दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है नीचे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता। फिर आप पढ़ेंगे 3 2 जा 6, क्या 2 के टेबल में 6 आता है? कुछ भी ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, सिंपल। बड़ा कौन है? 8 है, 8 का टेबल पढ़ता है, 8 1 8 नहीं हुआ, 8 2 16 आता है? नहीं आता। 8 8 24 नहीं आता। 8 5 40 आता है, 8 4 42 आता है ना, 40 आता है।
क्योंकि सिक्स में देखो सिक्स वन या सिक्स सिक्स या ट्वेल्व नहीं आया थ्री जा एटीन नहीं आया सिक्स फाइव या ट्वेंटी फोर फाइव का ट्वेंटी फोर भी नहीं आया सिक्स फाइव या थर्टी इसके एलसीएम कितना हो गया थर्टी हाँ इसका आप एलसीएम लेंगे थर्टी यहाँ लिख देंगे ठीक है वैसे आप देखो आप अगर आप ऐसे भी निकालोगे ना ऐसे भी निकालो तो थर्टी आएगा ठीक है अब देखो ऐसे नहीं यहाँ नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करूंगा फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है टेबल में थर्टी कितने बार आता है फाइव का टेबल में थर्टी सिक्स बार बार में आता है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स से टू इंटू क्या हो जाएगा सिक्स मार्क कर देंगे सेवन फाइव का थर्टी फाइव ये सिक्स हो जाए ट्वेल्व दो बाय थर्टी कितना हो गया जी फोर्टी सेवन बाय थर्टी समझ में आया सब पक्का ना वाह वेरी गुड इसको लिखो हाँ ये लिखो मैं और भी इसको कॉम्प्लिकेट करूंगा धीरे धीरे एक और एस्पिरेंट ऐड हुआ है ना एक और पार्टिसिपेंट ऐड हुआ है ना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बोले हमको एक और जो ऐड हुआ है आपका नाम क्या फिर से बोला तो भूल गया मैं अर्षित दुबे अर्षित अर्षित ठीक स्कूल आपका डिग्री डिगवाडी वाला है ना हाँ डिगवाडी एक और कोई एस्पिरेंट ऐड हुआ है ऑडियो आ रहा है यस सर कहाँ पर यस सर क्या नाम है आपका सर सुबीर सुबीर सिंह कहाँ पर हो कौन से स्कूल हो नॉबली सर सेम अच्छा सेम मेरे साथ ही है मेरे साथ ही मैं रिपीट करूँगा ठीक है कुछ ज्यादा छोटा नहीं है ठीक है यस सर ये समझ में आया आपको हाँ सर वेरी बड़ा बड़ा लिख रहा है बिठा दे हाँ सर यस सर ऐसे मत देखने के लिए मत नोटबुक लेके बैठना खाली देखने के लिए नहीं बैठना ठीक है कुछ क्वेश्चन देंगे करो कभी जैसे कि आप देखिए ये क्वेश्चन मिलता है जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो टू बाय थ्री प्लस फोर बाय नाइन प्लस फाइव बाय सिक्स करेक्ट अब ये तीन राशनल नंबर है ठीक है तीनों राशनल नंबर को हमको जोड़ना है तो मैंने क्या बोला था सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एलसीएम किसका एलसीएम निकालेंगे जी थ्री नाइन और सिक्स का यहाँ मैं लिखता हूँ एलसीएम ऑफ थ्री नाइन सिक्स नहीं थ्री नाइन सिक्स थ्री नाइन सिक्स ऐसे लिख दिया हाँ थ्री का टेबल में नाइन और सिक्स भी तो आता है कुछ नहीं गया वन टाइम्स गया कुछ नहीं गया तो टू लिख दो टू से लिख लो वन 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 ऐसा लोग बचपन में करते थे क्या हो गया थ्री 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 नाइन थ्री टू एलसीएम 18 हुआ अब देखो मैंने क्या बोला था मैं शॉर्टकट से मैंने क्या बोला था देखते हैं वैसा आता है
तीनों में बड़ा कौन है? नाइन 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 है. नाइन का टेबल पढ़ता है, नाइन वन जा नाइन, तो क्या थ्री के टेबल में नाइन आता है? आता है. लेकिन क्या सिक्स के टेबल में नाइन आता है? नहीं आता. नाइन नहीं होगा. अब हम लोग जो बड़ा है उसको दूसरा टेबल पढ़ेगा. नाइन टू जा एटीन, नाइन टू जा एटीन, का टेबल में आता है ना? Yes. नाइन के टेबल में 18 आता ही है, निश्चित है. अब सिक्स के टेबल में 18 आता ही नहीं आता है? आता है. तो बस एलसीएम उसका 18. हां बस इसके एलसीएम कितना हो गया? 18 हो गया. कितना हो गया? 18 हो गया. 18 बस 18 हो गया. बस कुछ नहीं करेंगे. अब हम लोग 18 लिख दिए तो अब देखेंगे ये कितने टाइम जा रहा है. इसको डिवाइड करो तो ये 3 6 3 6 18 होता है ना? होता है ना? अच्छा 3 से. हां 3 6 जा 18. देखो इधर को डिवाइड ही करते हैं तो 6 बार में जा रहा है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई. हां 3 × 2 मतलब 6 × 2. ये देखा पहले डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आ रहा है. ठीक है 6 बार में 6 में आ रहा है. 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 × 2. ये कितने बार में जा रहा है? 2 टाइम्स है ना? हां इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स 2 से. 4 से. 4 से नहीं 2 से. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ, 4 को 2. ये 2 टाइम जा रहा है. अभी देखो तो कितना टाइम जा रहा है? कितना टाइम्स? 6 3 3 बार 3 टाइम. तो 5 को कितने में? 3 × 5 3 × 5. और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 12 प्लस 8 प्लस 15 डिवाइड बाय 18. 35/18 ये सर, ये 35/18 ये हो गया मेरा 18. हां ठीक है, आसान है. लिखो लिखो. जो दूसरा स्पिरेंट उसका नाम क्या था? सुबीर. सुबीर किधर है भाई? आवाज आ रहा है? सुबीर. यस सर, आवाज आ रहा है. आवाज आ रहा है ना? तो समझ में आया ये वाला? यस सर. आपके रूम में थोड़ा अंधेरा है? यस सर. सर बाहर बैठे हुए सर. अच्छा अच्छा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है. ओके 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 ठीक है ठीक है. ये समझ में आता है? लिख लो. आसान है. बस ये भैया क्या करें, एक बार कहीं आप माइनस लगा देंगे, आप प्लस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे. ठीक है? यस सर. एक दो क्वेश्चन देंगे हम, उसके बाद जब धीरे धीरे आदत हो जाएगा ना तो ये करने की भी जरूरत नहीं होगी. जो मैंने एलसीएम निकाला ना ऐसे, वो भी करने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है? लिखना जैसे लिख दोगे तो बोल देना लिख दिए, फिर मिटा देंगे. लिख लिया सर. लिख लिया? तो लिख लिया? यस सर. अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं. क्वेश्चन देने से पहले आप लोग थोड़ा जल्दी बता दो एलसीएम, जल्दी जल्दी बताना जिससे मैंने बताया. ठीक है? एलसीएम ऑफ 7 है 21. जल्दी बताओ सर. किसका? 7 21 7 21. बड़ा कौन है तीनों में? दोनों में बड़ा कौन है? 21 सर. 21 देखेंगे. अब देखेंगे जो छोटा है उसका टेबल में 21 आता है. हाँ आता है. आता है ना? हाँ सर, 3 बार कैल्शियम 21. हाँ तो कैल्शियम कितना होगा? 21 हो गया. 21 8 और 24 का बड़ा कौन है? 24 बड़ा है तो 24 बन जाए 24. देखें 8 का टेबल 24 आता है. आता है सर. आता है. कैल्शियम हो गया 24. 24 8 और 12 कैल्शियम, मतलब बोलो 8 और 12 कैल्शियम. बड़ा कौन है दोनों में? 12 का टेबल पढ़ता है. 12 बन जाए 12. तो इसके टेबल में 12 आता है? नहीं आता. यस नहीं 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 12 2 जाए 24. क्या 8 के टेबल 24 आता है? 8 3 जाए 24. यस सर. बस हेलो गौतम सर. हाँ गौतम सर बोलिए. मैं थोड़ी देर में अभी कटा है. ठीक है? क्या कटा है? मतलब थोड़ी देर में अभी कटने वाला है.
डिस्कनेक्ट होगा। अच्छा अच्छा फिर कनेक्ट करना है ठीक है ना सर, कनेक्ट करना है ठीक है ठीक है। चला गया है। हेलो हाँ सर हेलो, हाँ अभी करके थोड़ा 5 मिनट में 2 मिनट में कर दीजिएगा डिस्कनेक्ट, फिर ऑन कीजिएगा कनेक्ट कीजिएगा। हाँ 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 मैंने बस हमको डायले करने में सर रिकॉर्डर ऑन कर देना। गौतम जी तो है लेकिन बहुत लोग डिस्कनेक्टेड हैं, अभी मीटिंग बंद हो गई। खत्म हुई नहीं, खत्म नहीं बंद हुआ है, कुछ काम की मीटिंग बंद हो गई।
हेलो यस सर। क्या हो गया था? कुछ नहीं सर, चले गए थे तो पता नहीं क्या। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, सब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ कि एलसीएम बताना है 8 और 12 का। 8 12 बड़ा कौन है? 12 नहीं, 24 आता है, 24 आता है, 24 ठीक है। अच्छा अब आप दे दे, तुम बताना ठीक है। हाँ 6 12 18 इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 15 कनेक्ट हो रहा है। कहाँ चला गया? हाँ ये एलसीएम इसका हुआ कैसे जल्दी किया जा सकता है वो हम ट्रिक बता रहे ठीक है। ओके लिख लीजिए, अरे क्वेश्चन देते हैं, चलो ऐड करो इसके साथ ही, आप ऐड करो तो ये 3/7 + 4/9 + 11/7 चलो ऐड करो तो क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है सर। समझ में अभी तक जो पढ़ा है? मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को जोड़ देंगे ठीक है। तो हम रख करते हैं। अब देखिए अगर एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन भी आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं है, सेम ही है। प्लस की जगह क्या कर देगा? माइनस कर देगा। फॉर एग्जांपल ये ठीक है, प्लस की जगह क्या कर दिया भाई? माइनस कर दिया। बस वही तरीका है, इसका एलसीएम लेंगे। कितना है एलसीएम देखो तो, बड़ा कौन है जल्दी बोलो, बड़ा कौन है? 9 9 9 9 9 नहीं आता, 9 2 18 6 का टोटल 18 आता है ना? Yes, आता है। 18 आता है तो 18 हो गया। ये कितना टाइम जा रहा है भाई? 9 से कितना टाइम जा रहा है? 2 टाइम। 9 से 2 टाइम्स। 9 2 18 होता है, तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, ओके?
प्लस क्या क्या है यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखेंगे माइनस सिक्स से कितना टाइम जा रहा है थ्री टाइम्स थ्री टाइम जा रहा है थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इनटू फोर हाँ ये हो गया फोर ये हो गया ट्वेल्व ये हो गया एटीन ये हो गया आपका माइनस एट क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म में रहते तो काटेंगे टू कटेल में फोर टाइम्स टू कटेल में नाइन टाइम्स हो जाएगा माइनस फोर बाय नाइन आंसर ओके लिख लीजिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसको बनाते हो तुम है ना क्या कैसी ये क्वेश्चन है ठीक है मैं दे रहा हूँ अभी बनाओ एक ये लिख लो ये वाला ब्लैक वाला जो मैंने किया है ये क्वेश्चन है अब इसे देख के डरना नहीं है इसको देख के डरना नहीं है पहले हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे क्या करेंगे ब्रैकेट खोल ब्रैकेट आता है प्लस माइनस 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 प्लस ठीक है ब्रैकेट खोल दिया पहले ब्रैकेट खोल देंगे प्लस माइनस कितना हो गया माइनस माइनस कितना हो गया इलेवन बाय सेवन फिर माइनस क्या है सेवन बाय नाइन ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे अलग अलग लिख सकते हैं बाद में छोड़ देंगे तो फिर ट्राई करो तो चलो एलसीएम में करो ये वाला मुझे आंसर बताओ इसका और लिखो इसको बनाओ इसका आंसर बताना ये वाला क्वेश्चन का yes. बनाओ बनाओ हाँ कोई बात नहीं यार ये इजी है बहुत इजी है थ्री सेवेंटी एट अच्छा एक गलत होगा ब्रैकेट तो मैंने खोल दिया है यस एलसीएम तेरा 126 आया 126 कटेगा ठीक है कटेगा कटेगा ऊपर नीचे कटेगा 263 263 263 और नीचे आ रहा है मेरा 263 आ रहा है नहीं गलत हो गया चलो हम करते हैं वोट ठीक है गलत देखो उसको देखो तो तरीका ये है एक टाइप ऑफ कैटेगरी है ये ठीक है 263 के नीचे सर वन आ गया था नहीं 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 देखो मैं लिखता हूँ ये दोनों है ना एक टाइप का है नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या सेम है बोलो तो नो सर इंटीग्रल लिखेंगे 3 बाय 7 प्लस क्या है 11 बाय 7 लिख दिया पुट आउट अब देखो नीचे 9 है और 9 है दोनों सेम टाइप का है अब इन दोनों को साथ में लिखेंगे यहाँ माइनस है तो माइनस 4 बाय 9 यहाँ क्या है जी माइनस 7 बाय 9 कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत है ना रिपीट सेम टाइप का इसको ब्रैकेट में कर दिया सेम टाइप को तो क्या कर दिया ब्रैकेट में कर दिया इसको भी क्या कर देंगे ब्रैकेट में कर लेंगे लेकिन एक बात हमेशा यहाँ ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर क्या है यहाँ पर बोलो माइनस है
जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस करते हैं माइनस होता है तो अंदर का साइन क्या होता है प्लस प्लस ये पता है ना आपको प्लस हाँ देखो तब ये माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया क्योंकि ये ब्रैकेट में रखा है ब्रैकेट नहीं रहते तो ये माइनस ही होता है देखो माइनस प्लस माइनस इसका साइन माइनस ही है ना और माइनस प्लस माइनस इसका भी साइन देखो माइनस है कोई दिक्कत नहीं ठीक है इसका एलसीएम साथ साथ करते हैं एलसीएम साथ ही होगा बच्चों कोई नहीं ये तो वन ही टाइम जाएगा वन ही टाइम जाएगा तो बस सिंपल जुट जाए थ्री प्लस इलेवन हो गया कितना हो गया 14 हो गया बोलो यस फिर माइनस है नॉन हो गया तो एलसीएम नौ ही होगा ये भी देखो ये फोर है ये सेवन है फोर प्लस सेवन कितना हो गया जी 11 कितना हो गया 11 कोई डाउट अब देखो ये कट रहा है कितने बार में कट रहा है 7 टू जा 14 14 टू यहाँ क्या बचा है 11 बाय 9 अब इसका देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोनों ये भी रैशनल नंबर ही है क्यों कुछ नहीं मतलब कितना होता है 1 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होगा ठीक है 9 और 1 का एलसीएम कितना होगा 9 होगा अब ये कितना टाइम जा रहा है बताओ अर्षित 9 टाइम्स दोनों को डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स कितना मल्टीप्लाई करेंगे 9 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 29 का कितना हो गया 18 मैं डायरेक्ट लिख दिया 18 फिर 9 1 जा रहा है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया भाई 11 तो 18 में से 11 गया कितना बचा 7 और यहां पे 9 7 बाय 9 आंसर होगा ठीक है 7 बाय 9 करो बिना ये देखे हम लोग क्या किए 7 7 को एक जगह ले लिए 9 9 की वैसे इसको करने का बहुत तरीका है हम लोग एक बार में एलसीएम लेके भी कर सकते थे वो भी दिखाते हैं तब भी आंसर 7 में 9 ही आया था ठीक है तब भी आंसर 7 में 9 ही होगा वो भी करके दिखाते हैं पहले ये लिख लो पहले ये लिख लो ये क्वेश्चन है नीचे से एक दो कहाँ चले गए हेलो अक्षित तुम्हारा नाम क्या था बोलो सर सुखबीर सुखबीर तुमको समझ आ गया सुखबीर ना सर सुखबीर सर सुखबीर समझ में आ गया यस सर चले गए थे सर वो पेन खत्म हो गया था इसलिए लिख लोगे तो बोल देना लिख लिए ठीक है लिख लिए यस सर लिख लिए तुम लिख लिए सर एक सेकंड बस लिख लें Mm-hmm.
हो गया सर। ओके अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ क्या मैं सीधा लिखता हूँ, कोई दिक्कत है, 3/7 माइनस 4/9 प्लस 11/7 और माइनस 7/9। देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक ही पर में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। पहले देखना फिर लिखना, इसका आंसर 7 और 9 का एलसीएम 63 होगा, नीचे कितना हो गया 63, करेक्ट 63 हो गया। अब कुछ नहीं करना, देखो 7 का टाइम्स कितना बार में 60 दिया था, 9, 7 9 63, जिसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 से कितना हो गया 20, टाइम्स कितना आता है 7 टाइम्स, कितना 7 टाइम्स 7, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 4 7 जा 28, एक बार तो कर दिया। फिर आ गया प्लस है कि प्लस, फिर ये 9 टाइम जा रहा है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 जा 99, कितना टाइम जा रहा है 7 टाइम्स, कितना जा रहा है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 से, हां बोलो समझ में आ गया, पक्का झूठ नहीं बोलना। देखो ये कितना टाइम जा रहा है, देखो 63 एलसीएम हो गया, 7 का टेबल में 9 टाइम्स जा रहा है, 7 9 63 होता है ना, 9 से होता है ना, 7 9 63, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया 3 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 से कितना टाइम जाता है भाई 7 टाइम्स, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स, 49, समझ आ गया? हाँ सर पक्का, हाँ देखो 27 और 28 गया तो माइनस 1 बचा, ठीक है, और 99 में 49 गया तो बचा आपका 50/63, 50 में से एक गया तो पता है ना प्लस माइनस माइनस होता है, तो 50 में एक गया तो 49, जो बड़ा है उसी का साइन लगता है, बड़ा कौन है प्लस, इसका साइन लग गया प्लस बाय 63। अब देखो ये कट रहा है, 7 का टेबल में 7 टाइम, 7 का टेबल में 9 टाइम, आ गया ना 7 का 9, पिछले वाला जैसा ही है ना, पिछले वाला आसान तरीका था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आंसर सेम ही आएगा। ओके तो यस सर, रहा आपका आज हम लोग रैशनलाइजेशन को प्लस कर सीखे माइनस करना सीखे, ठीक है, ओके रब कर दे, नहीं है टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे, बोलो 2 का नीचे में 1 लिख देंगे, 2 बाय 1 2 बाय 1 प्लस 5 बाय 1 का एलसीएम 7 है ना, ठीक है, 2 प्लस 1 5 का एलसीएम 7 है, कितना टाइम्स गया वो तो अक्षय 7 टाइम्स, हां सर, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 7 27 जब 14, अरे ये 1 टाइम सो कितना मल्टीप्लाई का 1 से 5 1 जा 5 कितना हो गया 30 49, कभी एलसीएम ऐसा रहे सब प्रोडक्टिव हो, इसको ज्यादा ना ऐसे मल्टीप्लाई करना है ऐसे मल्टीप्लाई, अगर एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो, एलसीएम अगर दोनों का क्या हो प्रोडक्ट है ना, 7 1 का 7 प्रोडक्ट है ना, यस सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही बात है, आगे 19 ये हो गया, ठीक है, ऐसे ही बता रहा है, सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छा बताओ 5 चॉकलेट में कितना चॉकलेट ऐड करेंगे कि 9, 4 सर, 5 में से 9 माइनस कर देंगे, 4 4 9 में से 5 माइनस करेंगे, 4 हां क्या करेंगे 9 में से 5, देखो ऐसे ही ऐसे 5 उत्तर है 5 चॉकलेट में से कितना चॉकलेट ऐड करेंगे, तो नंबर ऑफ चॉकलेट देख लेंगे ताकि वो कितना हो जाए 9, no. कितना हो जाए 9, तो यही आपको बोल रहा है कितना ऐड करना है, तो x क्या हो जाएगा प्लस x is equal to 5 यहां चल 9 minus 5 9 minus x is equal to 9 minus is equal to 4 समझ आ गया, हां is equal to 4, अगर कभी ये अगेंस्ट में क्वेश्चन होगा तो ऐसे पहले लिख लेना, ठीक है,
तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है इस टाइप का, देखो बोला है दो रैशनल नंबर का सम कितना है 19/20, कितना है 9/20, दो रैशनल नंबर का सम कितना है 9/20, दो रैशनल नंबर का सम बोल रहा है, अगर एक रैशनल नंबर तो मतलब 2x नहीं, एक रैशनल नंबर 2/5 है, दूसरा अगला रैशनल नंबर क्या होगा, तो अगला रैशनल नंबर क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक्स, नंबर दिया है अगला ही निकालना है, दोनों रैशनल नंबर का सम 9/20 है, एक रैशनल नंबर दिया है तो यह हमको निकालना, निकल जाएगा सर, हाँ सर एक्स निकल जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, यू सर चला जाएगा, एक्स 9/20 माइनस 2/5, हाँ ये 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी बोलो तुम बताओ अक्षर, और एलसीएम 20 और 5 का, नहीं एलसीएम, एलसीएम सर 20 20 वाले 20 और 5 का टोटल 20 आता है, आता है 20 आता है, हाँ बस तो ये देखो 1 टाइम जा रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, 9 कितना टाइम जा रहा है, 9 कितना टाइम जा रहा है बोलो, 4 4 2 को मल्टीप्लाई 4 सर 4 4 से खत्म, 4 और दो तीन क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है ठीक है, लिखो क्वेश्चन था इस टाइप का, हो गया सर लिख लिख, ठीक है एक क्वेश्चन लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है लिखो क्वेश्चन, लिखो सम ऑफ टू नंबर इज माइनस सिक्स, सम ऑफ टू रैश माइनस सिक्स लिख रहा है, हाँ सर, सुखबीर किधर है, अरे यहाँ है सर, सम ऑफ टू रैश नंबर इज माइनस सिक्स, दो रैश नंबर का सम कितना है माइनस सिक्स, एक रैशनल और अगला रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर सम कितना है माइनस सिक्स, और क्वेश्चन है एक माइनस एट बाई थ्री, उसमें से एक माइनस एट बाई थ्री है कितना है, माइनस वन एट बाई, माइनस एट बाई थ्री, तो बोल रहा है अगला कितना होगा, अगला क्या मान लेंगे एक्स, क्या मान लेंगे एक्स, एक्स निकालिए, ये एक्स निकालिए, फाइंड द अदर रैशनल नंबर, क्वेश्चन ये फाइंड द अदर रैशनल नंबर, x निकालेंगे, x नहीं रखेंगे ना बच्चों, x नहीं रहेगा, अब ये किधर उधर जाएगा ना, उधर जाएगा माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक यहाँ पे माइनस इस तो है ही, प्लस क्या हो गया 8/3, बस इसको एडिशन करना जो भी हम सिखाया है करो, करो ऐड करो, कितना है एलसीएम बोलो, इसका एडिशन कितना है, एलसीएम सर 3 आएगा, 3 ऐसे आएगा 18 10 10/3 आएगा माइनस 10/3, और देखो ये कितना है आंसर सर 3 बन जा, हां 1 है 3 अभी हम क्या बोले थे, अगर एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो, क्या हो दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं तो बस इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस सिक्स इंटू थ्री कितना होता है एट, कितना हो गया माइनस 18 में से माइनस प्लस माइनस, तो 18 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10, बड़ा कौन है 10, बड़ा माइनस 18 18 माइनस 10
माइनस टेन बाई थ्री तो सिंपल था। जी सर। बना था हाँ, तुम बोला नहीं बताना चाहिए। आंसर सर गलत था। अरे ऐसा सही आंसर आया। झूठ बोल रहा है। नहीं सर सर देख लीजिए। लिखो क्वेश्चन। लिखो व्हाट नंबर शुड बी एडेड। लिखो व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड। व्हाट क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। करेंगे नहीं पहले पहले वो पहले पहले सीक्वेंस में लिखेंगे। सीक्वेंस में लिखा बोल रहा है माइनस सेवन बाय एट में क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे कि वो क्या हो जाए फाइव बाय नाइन। तो जो क्या ऐड करेंगे मतलब माइनस फाइव प्लस एट प्लस नहीं नहीं ये समझ में आ रहा है ये माइनस सेवन ऐड करेंगे उसको हम लोग एक्स मान लिए माइनस सेवन बाय एट प्लस एट वो भी क्या हो जाए दोनों का सम फाइव बाय इसका एलसीएम पक्का दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। क्या होगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट होगा कितना हो गया भाई इसका प्रोडक्ट हो गया 72। नाइन नहीं नाइन 72 होता है ना। हाँ तो जब भी एलसीएम उन दोनों का प्रोडक्ट हो तो हम क्या बोले थे इसको किससे मल्टीप्लाई करना इससे इसको किससे मल्टीप्लाई करना इससे एड जा कितना हो गया 40 एड जा 40 कितना हो गया दोनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 103/72 ये होगा आंसर। कट रहा है अगर कटेगा तो ठीक है ठीक है बच्चों। तुम्हारा फोन उल्टा हो गया किसका सर? हमारा ही पता नहीं कैसे। अच्छा अब क्वेश्चन दे रहे हो ना तो अपने से उनका आंसर सर विच इसका आंसर देखो यही होगा इसका आंसर क्या होगा ये पहले ईमानदारी से बोलना समझ में आया यस इसको लिख लिए यस सर नहीं सर अभी लिखो लिखो। अच्छा लिखने से पहले क्वेश्चन लिख लो फिर लिखना क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो विच रैशनल नंबर शुड बी एडेड नहीं 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 सॉरी 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 ईमानदारी से कर लो लिखो विच रैशनल नंबर सब्ट्रैक्टेड विच रैशनल नंबर should be subtracted from minus 5/6 which rational number should be subtracted from minus 5/6 to get 4/9 to get 4/9 okay ये आपको होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चन किस अगर तो सिंपल नंबर ले लो मुझे बताओ 9 चॉकलेट में कितना चॉकलेट घटाएंगे कि 5 चॉकलेट हो जाए 4 बस बस क्या किए ऐसे लिखा होगा ना 9 में से सर 9 में से 5 माइनस ओके कितना बच गया 4 यही किया होगा ना 4 कितना घटाया जाए
ही 4/9 बन जाएगा। हाँ सर पक्का। अच्छा सुप्रीम हेलो कट गया क्या? चलिए आपका होमवर्क रहेगा ठीक है, ठीक है सर। ओके चलो एक दो और होमवर्क देते हैं। अब हम लोग जितना पढ़े है ना अभी, पहला एक्सरसाइज आपका एडिशन ऑफ रैशनल नंबर था, दूसरा वाला एक्सरसाइज आपका सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर है ठीक है। ओके अब इसमें दो तीन चीज कुछ ऐड है, वो ऐड बता देता हूं मैं। थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स क्या लिखेंगे? लिखो एडिटिव इनवर्स। क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स। इनवर्स अरे वो चला गया क्या? उसका तो कनेक्शन कट गया नहीं है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं है, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है जो उस नंबर में ऐड करेंगे तो सम जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए? जीरो। जीरो बोलेगा फोर का एडिटिव क्या है? फोर में मतलब क्या ऐड करेंगे? क्या घटाएंगे? जीरो हो जाए। क्या करेंगे? क्या ऐड करेंगे? जीरो हो जाए। प्लस फोर को क्या करेंगे? माइनस फोर। समझा? क्या करेंगे? माइनस फोर। जीरो हो गया ना? माइनस। हाँ अगर माइनस साइन बोलेगा तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि जीरो हो जाए? क्या ऐड करेंगे? तो आपको एडिटिव इनवर्स में कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया है ना वही का वही लिखना है और साइन को उल्टा कर देना है। साइन क्या कर देना? उल्टा, माइनस कर देना, माइनस टू प्लस। ठीक है देखो यहाँ प्लस फोर था ना, तो प्लस फोर में क्या ऐड किए? प्लस फोर की जगह माइनस। जैसे क्या बोलेगा 5/6 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो हम क्या बोले थे एडिटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे? जो है साइन चेंज कर माइनस 5 माइनस 5। अच्छा माइनस 7/6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 7/6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 7/6 तो रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। सुन आ गया? बहुत अच्छा था। चलो ये भी लिख लीजिए और ये वाला होमवर्क जरूर करना, नेक्स्ट क्लास होगा तो हम बोले पूछेंगे कौन कौन किया तुम लोगों में से। अच्छा लिख लिए। ओके मिटा दो, रब कर दो। हाँ सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और हम लोग क्लास सफिशिएंट है। पहला दो एक्सरसाइज आपका जो बुक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 इसका हम लोग 80% कर चुके हैं। क्या कर लिए? 80% कर लिए। अब कुछ कुछ ऐसा चीज है ना देखो, अच्छा 4+5 और 5+4 दोनों तो बराबर ही होगा ना? होगा ना? हाँ सर। हाँ तो इसी को कहते हैं कम्युलेटिव रूल। कम्युलेटिव रूल कैसे भी ऐड करो, ए प्लस या बी प्लस करो, बी प्लस ए। हाँ तो यही रैशनल नंबर में भी कम्युलेटिव रूल लागू होता है, मतलब 2/5 + 3/9 करो या फिर 3/9 + 4/9 करो, दोनों क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर। यही ऐसा ऐसे कुछ प्रूफ है जो कि बहुत ही इजी इजी है। ठीक है आपका बुक का 80-90% हो गया है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होगा, कुछ जो पॉइंट्स होगा बहुत ही आसान है। कोई डाउट? नहीं सर। तो यही है कम्युटेटिव रूल है। जाते जाते एक प्रश्न, ठीक है आज हम लोग छोड़ रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख लो एक होमवर्क में, होमवर्क में लिखो दो क्वेश्चन है बिग तो वो दिए, एक और क्वेश्चन देता है लिखो। What must be added? देखो what must be added to -3/4 to get 5/6। ठीक है हम लोग अभी भी कर सकते हो। ओके ठीक है मैं रखता हूँ। ठीक है अभी जो दो क्वेश्चन दिया है ना
अभी वो अभी कर लो बहुत अच्छा लगेगा ठीक है। अर्षित सुनेंगे, अर्षित हेलो अर्षित सुनेंगे कि अगला क्लास का जो भी शेड्यूल है ना आपके ऐप पे चला जाएगा अनाउंसमेंट में, ठीक है नेक्स्ट क्लास का, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है ठीक ठीक है। अर्षित इसको होमवर्क करना हो के मैं रख रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक।